भंडारा जिले के लाखनी तालुका के उस गांव में रहने वाली 21 वर्षीय रूपाली मेश्राम ने बकरी की शिकार करने आए तेंदुए से लड़ाई कर अपनी और अपनी मां की जान बचाने से पूरे जिले में रूपाली की हिम्मत की दाद दी जा रही है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। लाखनी तालुका के पास कोका जंगल को लगकर उस गांव में बीती रात मां जीजाबाई और रूपाली मेश्राम घर पर सोए थे। रात 10 बजे के करीब एक तेंदुआ आया और घर पर बांधी बकरियों का शिकार करने लगा। बकरियों के चिल्लाने की आवाज आने से रूपाली ने दरवाजा खोल तेंदुए को भगाने की कोशिश की। तेंदुए ने रूपाली और उसकी मां पर हमला किया, जिसमें रूपाली ने लकड़ी से वार कर तेंदुए के चंगुल से अपनी और अपनी मां की जान बचाई, मगर इसमें रूपाली और उसकी मां घायल हो गए। इसकी सूचना गांव वालों ने वन विभाग को दी। वन अधिकारियों ने घायल रूपाली और उसकी मां को साकोली उपजिला अस्पताल में दाखिल करवाया, लेकिन रूपाली के घाव गहरे होने से पहले भंडारा जिला अस्पताल और आगे नागपुर वैद्यकीय महाविद्यालय में दाखिल करवाया गया है। फिलहाल रूपाली और उसकी मां की सेहत स्थिर है। इस घटना के बाद रूपाली की हिम्मत की चर्चा पूरे जिले में की जा रही है। भंडारा से अभिजीत घोरमारे की रिपोर्ट, जीटीपीएल न्यूज 24 के लिए।